मोजूस नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, अफगान हुकूमत ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने अमेरिका और भारत को खुश कर दिया। अमेरिका ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि जो काम हम जदीद टेक्नोलॉजी से नहीं कर पाए वो अफगान हुकूमत ने कैसे कर दिया। नाज़रीन ग्रामी खबर की तफसील कुछ यूँ है कि अफगानिस्तान ने सरकारी सतह पर ये इदादो शुमार जारी किया है कि पिछले 4 महीनों के दरमियान अफगान फोर्सेज ने 24,000 तालिबान को मार दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इस पर यकीन करना काफी मुश्किल है। इस वजह से इस वीडियो के हर पॉइंट पर हम आपको इसके प्रूफ दिखाएंगे कि किस तरह से अफगान फोर्सेस ने ये कार्रवाई सर अंजाम दी जिसकी बदौलत 24,000 अफगान तालिबान मारेगी। नाज़रीन मोहतरम, स्क्रीन पर चलने वाली खबर को आप गौर से मुलाहजा करें जिसमे अफगानिस्तान की सरकारी अखबार ये दावा कर रही है कि अफगान फोर्सेज ने पिछले 4 महीनों के दौरान 24,000 अफगान फौजियों को मार डाला है। इसके बाद भारतीय अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की खबर को आप मुलाहजा करें जिसमें सेम यही दावा किया जा रहा है कि अफगान फोर्सेस के हाथों 24,000 तालिबान मारे जा चुके हैं। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस खबर को 3 बड़ी वेबसाइट्स पर नशर किया गया है और हैरानगी की बात तो ये है कि इस खबर को नशर करने वाला इदारे तालिबान के सख्त खिलाफ है और इस झूठी खबर को फैलाने के पीछे भी अमेरिका और भारत का हाथ है ताकि अफगान तालिबान अफगान फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करें और फिर से खित्ते के हालात खराब हो जाएं। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल फरीज जोन को सब्सक्राइब कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।